पिछले कुछ दिनों में रूस जिस तरह से परमाणु हमले की धमकी दे रहा है उसे देखकर परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ गई है। रूस पिछले कई वर्षों से अमेरिका और नाटो देशों को जवाब देना चाहता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने आज से 3 साल पहले रूस, अमेरिका और नाटो देशों के बीच परमाणु हमले की भविष्यवाणी की थी। बूचा के नरसंहार के बाद अब रूस की अगली तैयारी न्यूक्लियर वॉर की है। ये तय है कि इस युद्ध में परमाणु हमला हुआ तो पहली न्यूक्लियर मिसाइल रूस की तरफ से लॉन्च की जाएगी। ये बात युद्ध में पुतिन की आक्रामक छवि से नहीं बल्कि अमेरिका और नेटो के खिलाफ वर्षों से दबी पुतिन की प्रतिशोध की आग से तय होने वाली है। पुतिन यूक्रेन के बहाने अमेरिका और नेटो देशों को निशाना बनाना चाहते हैं। ये बात 2019 में अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने अपनी रिसर्च में कही थी जो आज सही होती दिखाई दे रही है। ये परमाणु हमला कैसे होगा और इसमें किस किस देश के कितने लोग मारे जाएंगे ये सब एक एनिमेटेड वीडियो की मदद से प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के विश्लेषकों ने बताया है। ये एक डरावना परमाणु पूर्वानुमान है। इसमें रूस की तरफ से पहला परमाणु हमला यूरोप पर किया जाएगा। ये न्यूक्लियर वार्निंग शॉट के रूप में रूस के शहर कैलिनग्राद के मिलिट्री बेस से होगा। इसके बाद नेटो इस हमले का जवाब देने के लिए रूस पर टेक्टिकल न्यूक्लियर एयर स्ट्राइक कर सकता है। इसके बाद ये युद्ध एक परमाणु युद्ध में बदल जाएगा और इस हमले के तुरंत बाद रूस अपने फाइटर जेट्स में शॉर्ट रेंज मिसाइलों के जरिए करीब 300 परमाणु बम नेटो के मिलिट्री बेस पर गिराएगा। इस हमले के जवाब में नेटो देश भी हवाई हमले से करीब 180 परमाणु बम रूस में गिराएंगे। इस 3 घंटे की परमाणु लड़ाई में शुरुआत में यूरोप और रूस के करीब 26 लाख लोग मारे जा सकते हैं। I think that what we've seen Russia doing, where President Putin threatened consequences the like of which you have never seen in your history, he said, yeah. This is part of the script of the nuclear age. It goes all the way back to President Truman and the use of atomic bombs against Japan, where he said in 1945, there will be a rain of ruin like you have never seen before. So nuclear weapon states say this because they can, because they have nuclear weapons. And प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मुताबिक 26 लाख लोगों की मौत के बाद भी ये परमाणु युद्ध यहीं खत्म नहीं होगा। यूरोप की बर्बादी के बाद अगला हमला रूस की तरफ किया जाएगा। इस हमले में अमेरिका जमीन और समंदर में मौजूद सबमरीन से एक साथ 600 परमाणु बम से रूस पर हमला करेगा। अपनी तरफ आते हुए परमाणु हमले का जवाब देने के लिए रूस भी बड़ी संख्या में अमेरिका के शहरों पर हमला करेगा। ये हमला रूस के सैन्य अड्डों, मोबाइल सैन्य वाहनों और सबमरीन से किया जाएगा। परमाणु युद्ध के सिर्फ 45 मिनट के इस दूसरे फेज में दोनों देशों के करीब 34 लाख लोग तुरंत मारे जाएंगे। हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि इस तबाही के बाद भी यह युद्ध अभी खत्म नहीं होगा। परमाणु हमले के आखिरी चरण में रूस और नेटो एक दूसरे को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों और बड़े आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाएंगे। इस हमले में आबादी के हिसाब से हर शहर पर 5 से 10 परमाणु बम गिराए जाएंगे। 45 मिनट के इस तीसरे फेज में करीब 8.5 करोड़ लोगों के मारे जाने की आशंका होगी। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि परमाणु युद्ध से किस तरह पूरी दुनिया में महाविनाश हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।